75वें निरंकारी संत समागम की झलकियों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं किशोर स्वर्णेश रानी। और आज मैं आपको बता दूं कि यहां पर निरंकारी संत समागम में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और कुछ बहनों से मैं अभी करता हूं बात और जानता हूं कि ये निरंकारी संत समागम या निरंकारी मिशन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले माता जी आप बताइए अपना नाम, आपका नाम कहाँ क्या है और आप कहाँ से आए हैं? हम गोरखपुर से आए हैं, हमारा नाम कैलाशी है। कैलाशी जी आपका नाम है, आप ये बताइए कि आप कितने समय से निरंकारी मिशन से जुड़े हैं? 15 साल से। 15 साल से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमको महात्मा जी सब कुछ अच्छा लगा। सब कुछ अच्छा लगा? हाँ। तो यहाँ जो सहन खान पियन सरसंगत सब कुछ अच्छा लगा, रहन सहन खान पान और सत्संग सब अच्छा लगा। अच्छा, इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है, आप सत्संग निरंतर आगे हमेशा जाते रहते हैं? हाँ जा रहा। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि ये लगातार सत्संग जाते रहते हैं, तो कुछ बहनें और भी हैं उनसे भी करते हैं बात। हाँ जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सीमा है, मैं लोनी से आई हूँ, गाजियाबाद। अच्छा, तो आप ये बताइए कि निरंकारी मिशन की ऐसी क्या अलग से बात नज़र आई कि जो आप मिशन से जुड़े? निरंकारी मिशन की अलग से बात तो सबसे बेस्ट कि यहाँ बहुत प्यार मिलता है और यहाँ परमात्मा को दिखाया जाता है, एक प्यार का मिशन है। ये प्यार का मिशन है, यहाँ प्यार दिखाया जाता है, प्यार सिखाया जाता है, प्यार बताया जाता है। तो इस प्यार की आपके जीवन में क्या ऐसी कोई बात हुई कि इस प्यार के बदले वो काम हो गया सहज में, ऐसा कुछ? हाँ, मेरा जीवन ही बदल गया जब से मैंने ज्ञान लिया, जब से मुझे सदगुरु का प्यार मिला, प्यारे प्यारे संतों का प्यार मिला, तो वाकई में मेरा परिवार भी बदल गया और मेरे जीवन में भी खुशियां आ गई, बहुत सुख मिले हैं, बहुत खुशियां मिली है। और सबसे बड़ी बात कि जिसकी हमें बरसों बरसों से तलाश थी, जो लक 84 से भटक रहे थे, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली जो सदगुरु माता जी की कृपा से मिली है। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छी बात कही है कि इस तरीके से जीवन में बदलाव आया और काफ़ी कुछ इनके जीवन में परिवर्तन आया, तो वो इन्होंने अपने विचार बयान किए। हाँ जी, आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मैं मीर विहार से आई हूँ और मेरा नाम उमा रानी है। तो यहाँ पर जब संतों का प्यार देखते हैं, जैसे भी बहन ने बताया, और बहनों का उत्साह देखते हैं, तो मन में और भी ज़्यादा इतना मन को खुशी मिलती है, क्योंकि दासी तो बचपन में मेरी मम्मी भी बहुत बुजुर्ग थे, ऐसे लाइनों में लगते थे, तो हम कहते थे नहीं थोड़ा आगे लग जाओ, तो मम्मी कहती थी नहीं बेटा जो लाइनों में सुख है वो कहीं सुख नहीं है। तो ऐसे ही जब महात्मा को भी उत्साह देखते हैं, महात्मा लाइन में लगे हैं, तो बड़ा ही मन को अच्छा लगता है। और बस माता जी से हम यही अरदास करते हैं, माता जी सबके विश्वास बनाए रखना और खूब सबको जैसे जैसे सब संत आए उनको सबको खुशियाँ देना। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है एक अनुशासन इन्हें बचपन से मिला कि हमें किस तरीके से, आप ये देख रहे हैं कि इतने दूर से ट्रेनों में चल के आए हैं फिर भी ये कतारों में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको सीख ही वो दी जाती है कि यहाँ पर अनुशासन में रहना है और पंक्तिबद्ध होकर ये समागम में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि सदगुरु की जो शिक्षाएँ हैं वो इनके जीवन में सहज में हम देख सकते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? रवि। तो रवि जी, आप कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से। जा कहाँ रहे हैं? समागम समालका। समालका जा रहे हैं? अच्छा, ये किस लिए जा रहे हैं समालका में? सत्संग के लिए। कौन सा सत्संग है, जरा जानकारी देंगे? संत निरंकारी भवन। अच्छा, संत निरंकारी मिशन का सत्संग हो रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं। कुछ बताएंगे आप निरंकार मिशन के बारे में क्या है? हमारा महात्मा बताएं। आप बताइए, आप क्या समझते हैं? एक लाइन बोलिए। हिंदी है। एक कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो आप, जो आपको अच्छा लग रहा है वो बताइए। नहीं नहीं, महात्मा। ओके, नाम बोलिए आपका। जी भरत दनिकर जी। हाँ जी, कर्नाटक जोन बेंगलोर से है। हाँ, महात्मा जी हमें इधर प्यार बांटना और प्यार लेने के लिए आए हैं। अच्छा, सदगुरु का आशीर्वाद लेने के हम यहाँ पहुँचे समालका। कितने साल से आप निरंकार मिशन से जुड़े हुए हैं? 10 साल से जुड़े हैं महात्मा जी। अच्छा, ये बताएं कि निरंकार मिशन की विशेषता क्या है? ये प्रेम बांटता है, ये जग में भाईचारा बढ़ाने चाह रहा है, हर में इंसानियत जगाने के लिए कोशिश कर रहा है, हर एक बंदे में, हर एक रूह में ये परमात्मा है, उसका जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। आप
दोस्तों ये जो कर्नाटका के कुछ एक साथी हमारे को मिल गए, मैं भी दिल्ली से जो है अब गन्नौर की तरफ जाने लग रहा हूँ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर इन नौजवानों के साथ कुछ बात करने का ध्यान बना, तो मुझे पता नहीं था कि ये निरंकारी हैं। चलो पता लग गया, अब तो बातचीत हुई। तो ये एक स्वरूप है कि बहती गंगा के अंदर जिस प्रकार से निर्मल धार होती है, इसी प्रकार से यात्रा के अंदर न जाने कब और कहां किस प्रकार से एक सुहाना सफर तय करते हुआ कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए। और इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भाषा की थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन सबसे क्या बात है, प्रेम की कमी नहीं है और सबसे बड़ी भाषा प्रेम की है। ये कन्नड़ भाषा वाले हैं, हिंदी हिंदी ले लेकिन तमिल तरीमा कर्नाटक का तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ अनेक भाषाओं के अंदर जो है ये मोहब्बत की खुशबू को फैलाने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों और साथियों से भी हम बातचीत करेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ में।